दोस्तों, स्मार्टफोन बहुत सारे लोग चलाते हैं। मैंने इस वीडियो में बताया है कि आईफोन के अंदर जो आईफोन का कैमरा है उसको आप कैसे चला सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं, आईफोन आपने पहले से यूज नहीं किया या फिर आप पहले से भी यूज करते हैं और आप कैमरा के जो आईफोन के कैमरा है उसके स्पेशल फीचर को नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए। मैंने बताया है आईफोन के कैमरा के सीक्रेट फीचर और साथ साथ बेसिक डिटेल, आईफोन कैमरा को कैसे यूज कर सकते हैं प्रॉपरली। वीडियो पूरी देखिएगा, बहुत ही अच्छे से मैंने जानकारी दी है, ए टू जेड, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शुरू होने से पहले लाइक कर दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। वीडियो शेयर का बटन है, शेयर कर देंगे व्हाट्सएप में, ग्रुप में, तो और लोग जानेंगे। कमेंट में लिख दीजिए आईफोन कैमरा ट्रिक, ठीक है ना, आईफोन कैमरा ट्रिक या फिर आईफोन कैमरा चलाएं, ये लिख देनी है कमेंट में। अब देखिए, आप चाहे आईफोन चलाएं या ना चलाएं, नहीं भी चलाते हैं तो भी देख लीजिए, तब भी आपको जानकारी रहेगी। कभी भी अगर आपके फ्रेंड या कोई देते हैं आईफोन का कैमरा वगैरह उसे फोटो वगैरह लेने के लिए, तो आप उसके अच्छे अच्छे फोटो ले पाएंगे। अब चलिए ट्रिक की ओर चलते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आईफोन का कैमरा, मेरा यहाँ पे है कैमरा, आपका कहीं भी है तो आप उसको ड्रैग करके यहाँ रख सकते हैं। मैं यहीं पे रख रहा हूँ, यहाँ पे देखिए एडिट होम स्क्रीन ऐप रख के ना आप इसको ड्रैग कर सकते हैं, लेकिन मैं यहीं पे रख देता हूँ। अब देखिए, कैमरा मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पर देखेंगे तो नीचे बॉटम साइड में दी गई है बहुत सारे ऑप्शन, ऊपर में भी कुछ ऑप्शन है, लेकिन सबसे पहले हम नीचे से बात करेंगे। जब आप कैमरा पहले आईफोन का कैमरा पहली बार ओपन करेंगे तो आपको दिखेगा फोटो, फोटो में तो आप ये नॉर्मल फोटो ले ही सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे आपको दूसरा फोटो लेने के लिए एक वाइड एंगल होता है। अगर आप आईफोन 11 यूज करते हैं या 11 के आगे यूज करते हैं तो आपको दो कैमरा मिलेगा, तो उसमें दो कैमरे का यूज होता है। एक होता है 1x लिखा हुआ है ना, एक यहाँ पे देखिए 0.5x, ये वाइड एंगल मिल गया, ये मतलब ज्यादा ही आपको फील्ड ऑफ व्यू मिलेगा। देखिए ना कितना ज्यादा दिख रहा है, इधर भी उधर भी, तो ऐसा दिखेगा। लेकिन ये तो चलिए बेसिक है। अब यहाँ पे दोस्तों हम बात करेंगे स्पेशली फ्लैश जलाने की। अब देखिए दोस्तों, मुझे अगर फ्लैश जला करके इस फोटो को लेना है तो अब नॉर्मल लोग नहीं ले पाएगा, तो यहाँ पे आपको फ्लैश जला करके फोटो लेने के लिए सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि आप फोटो मोड में हैं। हम फोटो मोड में हैं, नो डाउट। ऊपर करें, देखिए कुछ अलग अलग सेटिंग आ गया है ना। फिर से नीचे करिए, वही आ गया, तो फिर ऊपर करिए, ये देखिए आ गया ना, तो इसका मतलब ये आ चुका है सेटिंग। अब यहाँ फ्लैश जला करके हम फोटो लेंगे ना तो ऑन कर देंगे, फ्लैश पे हमने क्लिक किया, ऑन हमने कर दिया। अब देखो ये फ्लैश जल करके फोटो आया, फिर हमको वही कर देना है ऑफ, हो गया ऑफ, हाँ ऑफ नहीं, अभी ऑटो मोड में है, तो ऑटो मतलब जब इसका मन होगा तब फ्लैश जलेगा, नहीं जलेगा तो मैं ऑफ करके रख देता हूँ। क्योंकि आईफोन में एक दिक्कत है, जब भी आप फोटो लोगे ना तो हमेशा ये ऑटोमेटिक डिसाइड करेगा फ्लैश चालू करना है या नहीं करना है, तो आप मैं आपको सजेस्ट करूंगा फ्लैश को ऑफ रखो, जब जरूरत पड़े ऑन करके फोटो ले लो। और दूसरी बात, फ्लैश को हम साइड रखते हैं। यहां पर देखिए नाइट मोड है, ऑटो, अभी ऑटो में नाइट मोड कहां पे है मैं फिर से दिखाना चाहूंगा। हाँ ये देखो, ये जो हम यहां थे ना, अभी देखो ये नॉर्मल मोड, यहां पे ऊपर ऊपर कर दो ये, हाँ अब देखो ये आ गया। यहां पे दूसरा ऑप्शन है नाइट मोड, नाइट मोड अभी देखिए ऑटोमेटिक पे है, इधर कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा नाइट मोड, और यहां कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक चालू हो गया। जब रात को फोटो लेंगे ना या शाम को जबकि लाइट कम आपको रहता है अंधेरे में, तो वहां पर आपको आईफोन में ये काफी अच्छे फोटो आएंगे। ये देखिए थोड़ा सा टाइम लेगा, ये देखिए घूम रहा है, अब आ गया, ये देखिए काफी खूबसूरत डिटेल फोटो मिलेगा रात को भी, ठीक है ना। तो ये एक अच्छी बात हो जाती है, ये देखिए ये फ्लैश के साथ जो मैंने लिया उससे ज्यादा डिटेल आ गया इसमें, क्योंकि इसमें देखिए ज्यादा डिटेल आ गया नाइट मोड वाले में।
तो ये जब अंधेरा हो तो उस टाइम इसको यूज़ करिए, तो इसको ऑटो मोड पे रख सकते हैं, ठीक ना। अब दोस्तों इसको भी साइड रखते हैं। एक दूसरा है मोशन, ये देखिए लाइव ऑफ, इसको ऑफ रखेंगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा ठीक रहेगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लोग फोटो नहीं लेते हैं। लाइव मोड में होता यह है दोस्तों, जब आप फोटो लेते हैं ना तो ये हिलता डुलता ले लेता है, ये देखिए अभी हिलेगा, ये ऐसे हो जाता है, ये देखिए। अब फिर जो आपको मोमेंट आपको लेना है उसको एडिट करके कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बात हो जाती है, लेकिन लाइव मोड में ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा आप सबको। अच्छा फीचर है लेकिन एक्सपर्ट हो तब यूज़ करो, नहीं तो नहीं यूज़ करो, क्योंकि लाइव मोड में आपका पिक्चर हिलते डुलते रहता है, मतलब ये मूव करते हुए सब ऑब्जेक्ट को क्लिक कर लेता है फोटो। तो लाइव मोड को यहाँ पे ऑफ रखते हैं। और यहाँ पे एक्सपेक्ट रेशियो 4:3, इस पर क्लिक करिए, ये स्क्वायर 6:9 दिखेगा। 6:9 में तो फुल स्क्रीन हो गया, फुल स्क्रीन नहीं, फुल स्क्रीन इधर होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 4:3 में आपको अच्छा फुल क्वालिटी का फोटो मिलता है, जो कैमरा का पावर है ना फुल क्वालिटी में मिलता है एक फोटो में जब आप 4:3 में लेते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आप कहीं घूमने जा रहे हैं, जो आपको फोटो सोशल मीडिया पे पोस्ट करनी है वो आप 4:3 में ही लें, और क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा क्वालिटी मिलता है। साथ ही साथ फेसबुक पे देखो लंबा फोटो ना वो इतना ही दिखता है, अगर पूरा लंबा फोटो लिए हो तो वो इतना ही दिखता है। तो इसलिए अगर आपका पहले से फोटो 4:3 में लिया हुआ रहेगा तो अच्छा रहेगा, अगर आपका फुल स्क्रीन रहता है तो ऐसे में मत लीजिए, 4:3 ही अच्छा है। और स्क्वायर अगर आपको इंस्टाग्राम के लिए लेना है तो स्क्वायर में ले लीजिए, ठीक है ना, इंस्टाग्राम के लिए स्क्वायर में फोटो या वीडियो जो भी लेना हो स्क्वायर में वीडियो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो अब देखो ये आ गया। अब यहाँ पे दोस्तों टाइमर है, अगर आप चाहते हैं कि आप कहीं घूमने गए आपके फोटो खींचने वाले कोई नहीं है तो आप मोबाइल में टाइमर यहाँ पे मिल जाता है। ये देखिए एक्सपोजर है, खैर इसको हम साइड रखते हैं, एक्सपोजर वाला सेटिंग हम चलते हैं ये छठा सातवां सेटिंग पे, इस पर क्लिक करो और ये देखो टाइमर 10 सेकेंड और 3 सेकेंड। तो अब दोस्तों आपको अगर 3 सेकेंड छोड़ देंगे तो आप फोन 10 सेकंड रखिए ठीक रहेगा। अब कहीं अच्छे से फ़ोन को अटका दीजिए और ऐसे सीन देख के और आप दूर में जो है चले जाइए, ये ऑटोमेटिक फ़ोटो क्लिक कर लेगा क्योंकि यहाँ पे फ्लैश जलता है। 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1। अरे मल्टीपल फ़ोटो लेता है यार, अच्छा ये मल्टीपल फ़ोटो लेता है तो ये भी ठीक है यार। यहाँ पे फायदा यह होगा कि अगर आप मिस कर गए किसी फोटो में, अगर आपका मुंह आंख बंद था ये वो था तो वो ठीक कर सकते हैं। ये देखिए कैसे आया फोटो, आया और यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए आ गया, जो फोटो चाहिए वो सिलेक्ट कर दो। ये देखो यहाँ पे ये देखो ये दो आपको लाइन दिख रहा होगा, जहां पे रख के इसको छोड़ दोगे डन कर दोगे वही फोटो आएगा, ठीक ना, डन कर दो अब यही फोटो आपका रहेगा। तो ये बात है, देखा आपने टाइमर का भी एक फायदा अलग है, तो इसको आप बंद कर दीजिए अभी। तो आप समझ गए होंगे आईफोन कैमरा में टाइमर का कैसे यूज करेंगे और ये आपको कहाँ मदद करेगा। और देखिए ऊपर में भी कुछ सेटिंग है, नीचे का सेटिंग तो हमने बता दिया। एक और इधर है, ये कलर फिल्टर है, ये अपना मर्जी है कलर फिल्टर यूज करो या छोड़ दो। ये विविड भी अच्छा होता है यार, विविड में थोड़ा लाइट ब्राइट होके दिखता है। यहाँ पे देखिए आपके लिए फिल्टर भी दिख जाता है, तो ऊपर से आप देखेंगे तो नॉर्मल कुछ सेटिंग वगैरह दी गई है वही कलर फिल्टर वाला, तो इसको आप बंद रखिए। जब आप इस पर क्लिक करते हैं ना वही नाइट मोड फ्लैश वही चीज़ मैं आपको जो बताया वही सब दिख रहा है यहाँ पे। तो आप यहाँ से नाइट मोड को हमेशा ऑफ ही रखें तो ठीक ही रहेगा। और आईफोन के कैमरे का एक दूसरा पार्ट भी मिलेगा, वो वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा, उसमें कुछ और डिटेल दी गई है। वैसे खैर बेसिक डिटेल जो एक फ़ोन कैमरा से यूज़ करते हैं, आईफोन का कैमरा चलाते हैं, उसके लिए इतना काफ़ी है। तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें और मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में। थैंक यू, बाय।